लाइफ में ना दो चीजें होती है, एक होता है जो बेसिक हमारी नीड्स होती है, जरूरतें होती है, जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद आदमी भागता है कंफर्ट के पीछे। जब लाइफ कंफर्टेबल भी हो जाती है तो आप कुछ बचा ही नहीं लाइफ में, अब आपको अगले गोल के बारे में सोचना है। अगला गोल क्या है? अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, अपने लिए कोई चैलेंजेस क्रिएट करो। अपने माइंड को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। एंड व्हाट इज इंटेलिजेंस? क्वेश्चनिंग। यू नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। मोटिवेशन हर जगह काम नहीं आता है। मोटिवेशन तब है जब आप पूरी तरह से टूट गए हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, उस वक्त आपको मोटिवेशन काम आएगा। मोटिवेशन सिर्फ अगर आप गिर गए हो और टूट गए हो अंदर से, आपको खड़े करने के काम आएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग। बड़े तालाब में छोटी मछली होने से अच्छा है छोटे तालाब में बड़ी मछली हो जाओ। ये भी एक तरीका है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। अगर आप एक बड़ा अपना गोल सेट कर लेते हो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी 10 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन, मान लो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही जाना है, तो आपने अपना एक गोल बना लिया सुंदर पिचाई। अब अगर इतना बड़ा गोल बनाओगे तो अगर वो नहीं भी बने तो कुछ तो अच्छा बनी जाओगे, बट अगर कोई गोल ही नहीं बनाओगे तो वहां पर आपको बहुत चैलेंजेस नजर आएंगे, वहां पर आप स्टक हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो भी आपकी नॉलेज का दायरा है और आपके एक्सपीरियंस का दायरा है वो आपका बॉक्स है, उसके बाहर आप चाहेंगे तो नहीं सोच सकते, बिकॉज थॉट कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपकी जो सक्सेस है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट इज देयर इन योर ब्रेन। अगर आपकी ब्रेन में कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू आर एज गुड एज अ टोमेटो और अ पोटैटो और एन एनिमल। किसी काम को आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से करते हो और एक अच्छी नियत के साथ में करते हो, ये दोनों चीजें जब जाकर के मिल जाती है तो हिस्ट्री क्रिएट होती है, तो कुछ कमाल का होता है। माइंड के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, वो प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसको समझ करके उसको सॉर्ट आउट करना इज द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ माइंड। अगर आपको क्लियरली नजर आ जाए कि इस पाथ पे चलने के बाद में 99% चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे अगर सही से करते हो, तो अब क्या फिगर आउट करना रह गया? ये तो क्लियर हो गया क्या करना है, अब सिर्फ ये रह गया कि कैसे करना है, वो सीखना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं उनके सामने भी ले जा करके अपॉर्चुनिटी रख दोगे ना, वो कहेंगे अरे इसमें तो कुछ नहीं है, बेकार है, ये तो सब कर लेंगे, अरे इसमें क्या है, ये है वो है, वो हजार कमियां निकाल देंगे। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर के लोग हजारों कमियां निकाल रहे फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, आप कह रहे हो नहीं 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 देखो यहां पर तो बहुत कुछ हो सकता है, तो अब आपके लिए बिजनेस है। अगर आपके जो गोल्स है वो रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, तो सब कुछ आसान है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जैसे ही ये बात हमको समझ आने लग जाती है तो आपके अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो करने लग जाती है, जिसमें सबको आप साथ लेकर के चलते हो, सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते हो, सबके फायदे के बारे में सोचते हो। पैशन और प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें हैं। आपको क्या करना है, अगर अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको यह देखना है कि किस तरीके से वो कनेक्ट होता है किसी प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम जो किसी और की हो, आपकी ना हो। लाइफ में अप्स भी आएंगे और डाउन्स भी आएंगे, तो जब डाउन फेज आता है किसी भी इंसान की लाइफ में, तब वो क्या करता है ये डिसाइड करता है कि लॉन्ग टर्म में वो उस करियर में अपनी छाप छोड़ पाएगा या नहीं छोड़ पाएगा। एक है आपके काम को क्रिटिसाइज करना, एक है आपके बारे में कुछ ऐसा बोलना जिसकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है। देयर यू हैव टू टेक अ स्टैंड। माइंड जिस तरीके से हमारा सोचता है ना, उसको आप पेपर पे कन्वर्ट करो, पेपर पे लिखो कि जो भी आप करना चाहते हो उसको सेंटर में लिखो, फिर उसकी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उसकी सब ब्रांचेस निकलेंगी। जिस तरह से हमारा माइंड चलता है, तो वो जो माइंड मैप है वो आपके माइंड में छप जाएगा, तो आपका माइंड भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोचना शुरू कर देगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ये फर्क पड़ता है कि आपकी विजन क्या है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। देयर हैज टू बी अ वे। लाइफ में अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो अगर नहीं है तो। हमें लगता है प्रॉब्लम फ्री लाइफ इज गुड, अरे नहीं, बोरिंग है। एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके।